हेलो एवरीवन, फेस टॉक में आपका स्वागत है। मैं शम्स। आज हम एयू स्मॉल फाइनेंस कंपनी के बारे में जानेंगे, टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस करके देखेंगे कि इसके अंदर अभी हमें बाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करने से पहले अभी तक आपने अगर स्पेस सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड काफ़ी सारी वीडियोज़ मैं अपलोड करने वाला हूँ जिसकी आपको आप जिसका बेनिफिट ले सकते हैं। तो चलिए ओपन करते हैं साइट। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। सो बेसिकली ये जो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक है, ये निफ्टी 500 का पार्ट है। सो निफ्टी 500 ही मैं हर बार पिक करता हूँ। इसके पीछे रीज़न यही है क्योंकि ये 95% जो फ्री फ्लोट कैपिटल है वो इसी 500 कंपनी में से आता है। तो इसमें वॉल्यूम्स हमेशा होता है, आप कभी बाय करो कभी सेल करो, तो आपको इसमें बायर या सेलर ईजिली अवेलेबल मिलते हैं, राइट। ये वन ऑफ द रीज़न है जिसके वजह से आप शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों के लिए भी कर सकते हो। स्टेबिलिटी के साथ साथ आपको एक शॉर्ट टर्म में भी करना चाहिए, शॉर्ट टर्म में भी करेंगे तो भी आप बेनिफिट ले सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए भी इसमें बेनिफिट ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसको कैंडलस्टिक चार्ट में आप हमेशा देखिए, लाइन चार्ट या अदर चार्ट में देखने के बजाय कैंडलस्टिक चार्ट में देखिए। आप इन्वेस्टिंग साइट में देख सकते हैं, बहुत ऐसे बहुत सारे साइट्स हैं जहाँ पे आप एनालाइज कर सकते हैं, वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज आपको लगता नहीं है स्टॉक को एनालाइज करने का। तो जैसे ये डे का कैंडल है, इधर देखिए यहाँ पे जो आप कैंडल्स आप देख रहे हैं, ये एक दिन का एक कैंडल है। इसका मतलब यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ पे क्लोज हुआ, राइट, एक एक दिन का एक कैंडल है। तो इसका अगर आप देखेंगे अभी शॉर्ट कुछ दिनों में किसी डायरेक्शन में नहीं जा रहा है ये, इसको इस तरह का जो स्टॉक ऐसे मोमेंटम होता है, एक रेंज बाउंड में चलता है, मतलब 720 से लेके 600-500 के बीच में चल रहा है ये, 200 पॉइंट ऊपर नीचे हो रहा है। तो ये साइडवेज मार्केट में है ये अभी स्टॉक। तो डेली चार्ट में आप देख सकते हैं डेली कैंडल कैसा फॉर्म हो रहा है। आप वीकली एक बार आपको देखना पड़ेगा, और मंथली आप देख सकते हैं कि स्टॉक के अंदर क्या मोमेंटम आ रहा है, राइट। तो इसके बाद दूसरा जो पॉइंट है स्टॉक का, आप एक लॉन्ग एक ट्रेंड आपको देखना है। जैसे कि मैंने आपको बोला साइडवेज है, जैसे कि टेक्निकल इंडिकेटर में 5 से 7 इंडिकेटर आप अगर सही से देख लेते हैं तो आपको फिर दूसरी अदर बहुत सारी चीज़ें देखने की ज़रूरत नहीं है। आप जो भी स्टॉक के अंदर मोमेंटम हो रहा है, जो न्यूज़ है, न्यूज़ के बेसिस पे लोग ट्रेड करते हैं या बाय करते हैं, आप अगर टेक्निकल एनालिसिस को सही से समझ जाएंगे, सही से उसमें आप बाय या सेल करेंगे, तो आपको न्यूज़ भी देखने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ टेक्निकल के बेस पे आप ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि जो भी मोमेंटम होने से पहले टेक्निकल में वो इंडिकेशन आपको पहले ही मिल जाता है, आपको अगर सही से नॉलेज आपके पास है तो। तो आपके पास ये ट्रेंड आपके पास आ गया, ट्रेंड में आपको ये साइडवेज दिख रहा है, तो इसके अंदर अभी कोई मोमेंटम नहीं है। अभी ये हो सकता है आने वाले टाइम में भी ऐसे साइडवेज रहे, 2-3 महीने तक ऐसे ही रहे। और साइडवेज में जैसे 3 पॉइंट्स होते हैं, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और सॉरी ट्रेंड में 3 पॉइंट्स होते हैं, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज। तो ना ही ये अप ट्रेंड है, ना ही ये डाउन ट्रेंड है, ये साइडवेज है। तो साइडवेज में हम जस्ट वेट एंड वॉच करेंगे, जब हमें ब्रेकआउट मिलेगा तब हम बाय करेंगे। उसके बाद लॉन्ग टाइम के लिए अभी इसके अंदर कोई सिग्नल नहीं है। अब देखते हैं शॉर्ट टर्म के लिए अभी हमारे पास बाइंग सिग्नल है या नहीं है। तो शॉर्ट टर्म के लिए क्या होता है कि आपको सपोर्ट और रेसिस्टेंस देखना आना चाहिए। सपोर्ट जैसे कि किसी भी स्टॉक का जो प्रीवियस एक मेजर सपोर्ट लेवल कौन सा है, यहाँ पे देखिए इस लेवल से वो स्टॉक कौन सा लेवल है, ये 516 का, 516 से ये 700 तक गया है, फिर वापस गिरा, फिर 700 के आसपास जा रहा है और 500 के रेंज में घूम रहा है। तो इसका जो अभी सपोर्ट है वो 500 का लेवल का सपोर्ट है, और जो रेसिस्टेंस है वो 700 लेवल पे है। तो इसका मतलब अभी वो सपोर्ट लेवल पे है, तो यहाँ से वो मूव होने के चांसेस हाई हैं। तो आप शॉर्ट टर्म में अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो 516 के आसपास अगर आपको मिलता है तो आप छोटे टाइम फ्रेम के लिए, 1 महीने 2 महीने 3 महीने के लिए आप इसमें पोजीशन बिल्ड कर सकते हैं। उसके बाद फिर चलिए देखते हैं इसमें मूविंग एवरेज के बेस पे। टेक्निकल इंडिकेटर का एक मेजर पार्ट है जिसको मूविंग एवरेज के बेस पे भी लोग, मूविंग एवरेज के बेस पे आप एनालाइज करके आप उसको ले सकते हैं। तो मूविंग एवरेज में देखते हैं कि इसके अंदर अभी बाइंग सिग्नल है या नहीं है। तो मूविंग एवरेज के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी इसमें बाइंग सिग्नल जनरेट नहीं हुआ है, अभी इसमें हमें बाइंग का नहीं बन रहा है। बाइंग सिग्नल कैसे जनरेट होता है, जैसे जो ब्लू लाइन है ये शॉर्ट टाइम फ्रेम के लिए है, ये हाइयर टाइम फ्रेम है, राइट। तो ये शॉर्ट टाइम फ्रेम जब भी नीचे से ब्रेकआउट करता है, कम टाइम का जो शॉर्ट टाइम का जो मूविंग एवरेज है
वो जब नीचे से ब्रेकआउट करता है तो आप उसको बाइंग करना चाहिए। देखिए यहाँ पे अगर आप बाय करते हैं तो काफ़ी दिन तक आप यहाँ पे, यहाँ तक आप प्रॉफिट बना सकते थे, यहाँ तक बना सकते थे। तो यहाँ पे देखिए उसने ब्रेकआउट करके नीचे आया, ब्लू लाइन देखिए, ब्लू लाइन नीचे ब्रेकआउट करके आया, तो यहाँ पे आपको निकल जाना है। तो आप निकल के यहाँ तक आप नीचे वेट कीजिए, उसके बाद फिर जब वो ब्रेकआउट करता तो एंट्री लीजिए और ब्रेकआउट में एंट्री एग्जिट कीजिए। सिंपल टेक्निक है, बहुत ज़्यादा आपको एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं है। नहीं आप सिंपल ब्रेकआउट टू ब्रेकआउट पे भी अगर आप काम करेंगे ना तो आप अच्छा पैसा बना सकते हैं। आप देखिए इसका अगर मैं पहले से इसको एनालिसिस करूँ और साइडवेज में तो बहुत अच्छा काम करता है। जैसे यहाँ पे देखिए इसने ब्रेकआउट दिया, आप अगर यहीं पे एंट्री करते हैं तो आप देखिए यहाँ तक पैसे बना सकते थे, यहाँ तक बना सकते थे। यहाँ से उसने एक ब्रेकआउट दे दिया या यहाँ पे दे दिया, यहाँ पे भी निकल जाते तो भी आप पैसे बनाते, राइट। तो यहाँ पे देखिए यहाँ से भी आपको एक फाइनल ब्रेकआउट मिल गया, बहुत स्ट्रांग इंडिकेटर है यहाँ पे, रेड बिग कैंडल बना, तो यहाँ से आप निकल जाते। तो फिर यहाँ पे देखिए एक बार दोबारा बाइंग सिग्नल आया, यहाँ पे एंट्री करते 596 पे और यहाँ पे आप निकल जाते, कहाँ के कौन सा प्राइस है 700। तो 596 यानी 100 पॉइंट आपको अगेन बेनिफिट मिलता। तो यहाँ से वापस ब्रेकआउट है, यहाँ से फिर यहाँ पे बाइंग का मिला 646 से लेके आपको 735 के आसपास मिल रहा। तो सिर्फ ब्रेकआउट टू ब्रेकआउट भी अगर आप अगर काम करते हैं तो आप अर्न कर सकते हैं। तो ब्रेकआउट के बाद फिर हम दूसरा पॉइंट देखते हैं कि दूसरा पॉइंट क्या है जो बहुत मेजर इंडिकेटर्स है, जो बहुत सारे ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं, वो है RSI। तो RSI में हम देखते हैं कि RSI में इसमें क्या मोमेंटम है या नहीं है, बाइंग इसमें बनता है कि नहीं है। RSI के अंदर अगर देखा जाए तो अभी इसके अंदर आप बाय कर सकते हैं, राइट। और MACD भी चलिए देख लेते हैं, MACD के अंदर इसमें बाइंग बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो MACD में इसमें बाइंग बन रहा है, RSI में MACD में बाइंग बन रहा है, लेकिन मूविंग एवरेज में अभी बाइंग नहीं है। और स्टोकास्टिक में देखते हैं तो स्टोकास्टिक में भी अभी आप बाइंग कर सकते हैं, अभी तक फिलहाल टेम्परेरी है, आप इसमें बाय कर सकते हैं। और टेक्निकल के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने अभी देखा कि अभी इसमें कुछ शॉर्ट टाइम फ्रेम के लिए इसमें आपको बाइंग मिल रहा है और थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा, थोड़ा सा और कंफर्मेशन चाहिए वो, अगर मूविंग एवरेज को भी आप अगर बाइंग में लेना चाहते हैं, क्योंकि RSI स्टोकास्टिक MACD के बेस पे आपको थोड़ा बहुत मिल रहा है, बाइंग कर सकते हैं, लेकिन मूविंग एवरेज में थोड़ी बहुत और कंफर्मेशन की ज़रूरत है। जब वो कंफर्मेशन हो जाएगा तो फिर आप इसमें बाय कर सकते हैं। जस्ट मिनट, हेलो, ओके, सॉरी। अभी हमने टेक्निकल के बेस पे देखा कि टेक्निकल के बेस पे और थोड़ा सा आप वेट कीजिए, जब से ही ब्रेकआउट मिलता है तो आप बाय कर सकते हैं, करेक्ट। और उसके बाद फिर अब हम देखते हैं लॉन्ग टाइम फ्रेम के लिए, देखते हैं कि लॉन्ग टाइम के लिए ये कंपनी बेनिफिशियल है या नहीं है। तो AU स्मॉल कंपनी फाइनेंस में हम देखते हैं तो मार्केट कैप जो है वो 16,000 का है, बुक वैल्यू 77 है और करंट प्राइस 550 का है। और प्रॉस एंड कॉन्स में देख लेते हैं एक बार। कंपनी एक्सपेक्टेड गुड क्वार्टर रिजल्ट, क्वार्टर अच्छा आने के चांसेस हैं। कंपनी हैज कंसिस्टेंट प्रॉफिट ग्रोथ, 33% 5 साल से 33% ग्रोथ रही है। और कंपनी गुड रिटर्न ऑन इक्विटी, इक्विटी में भी अच्छा 30% 3 साल से रिटर्न दे रहा है, तो काफ़ी अच्छा है। उसके बाद कॉन्स में क्या है, स्टॉक 7% हाई पे ट्रेड कर रहा है, कंपनी लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है, प्रमोटर होल्डिंग 32% है, अर्निंग इंक्लूडिंग अदर इनकम 446 करोड़ के आसपास है। तो सेम इस इंडस्ट्री से रिलेटेड जो इसके प्योर कंपैरिजन है उसमें देख लेते हैं, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में कौन कौन इसके कंपटीटर हैं। ऑलमोस्ट सारे बैंक इससे ऊपर ही हैं, HDFC बैंक, कोटक, येस बैंक, सब इससे ज़्यादा ही है इनका। मार्केट कैप में भी ये शायद सिर्फ फेडरल बैंक के आसपास है ऑलमोस्ट, नहीं तो बाकी सबके कंपटीशन में भी नहीं है, फेडरल बैंक से भी नीचे है। फेडरल बैंक काफ़ी अच्छा स्टॉक है, डेफिनेटली बहुत अच्छा स्टॉक है फेडरल बैंक, बैंक में से तो काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है फेडरल बैंक। और डिविडेंड में अगर बात करें तो डिविडेंड भी बहुत अच्छा नहीं है, नेट प्रॉफिट क्वार्टर की बात करें तो भी बहुत अच्छा नहीं है, और क्वार्टर प्रॉफिट वेरिएशन देखते हैं तो उसमें भी इतना अच्छा नहीं है। चलिए क्वार्टर रिजल्ट देखते हैं, सेल्स क्वार्टर रिजल्ट स्लो एंड स्टेडीली ग्रो हो रही है इसमें, प्रॉफिट भी स्लो एंड स्टेडीली ग्रोथ हो रहा है इसमें। एनुअल रिटर्न की बात करें तो एनुअल प्रॉफिट लॉस में देख रहे हैं एनुअली भी काफ़ी ग्रो कर रहा है कंपनी, और प्रॉफिट में भी ग्रो हो रही है। और लॉन्ग टर्म में अगर देखा जाए तो कंपनी की ग्रोथ काफ़ी अच्छी है, मोर देन 20-30% है, काफ़ी अच्छा है।
कंपाउंड प्रॉफिट में भी अच्छा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट इक्विटी की बात करें तो 30 से 27% है, 5 साल में 27% है, यानी ये जो स्टॉक है वो निफ्टी को बीट कर रहा है। तो आप अगर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो अब इसमें सिर्फ वेट कीजिए, क्योंकि अभी ये साइडवेज मार्केट है, जैसे ब्रेकआउट देता है तो अब आप इसमें एंट्री ले सकते हैं। और अभी जैसे मैंने आपको बताया कि जब और 2-4 दिन वेट कर लीजिए इसमें, जैसे वो ब्रेकआउट देता है मूविंग एवरेज में, तब तो आप डेफिनेटली कर सकते हैं। तो शॉर्ट टाइम में तो आप बेनिफिट कर ही सकते हैं, क्योंकि अभी ये 500 के रेंज में है, 700 तक तो है, 200 पॉइंट का तो ऐसे ही आपके पास है। तो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों के लिए मैं ये स्टॉक को अच्छा मानता हूँ, दोनों के लिए ये स्टॉक अच्छा है, दोनों कंडीशन में आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और आज के लिए इतना ही, अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड मैं वीडियोस अपलोड करने वाला हूँ। और अच्छे स्टॉक को आइडेंटिफाई कीजिए, अच्छे थोड़ा सा स्किल को एनहांस कीजिए, ताकि आप अच्छे जो कहाँ पे एग्जिट करना है वो आपको पता होना चाहिए, नहीं तो आप फिर क्या होता है कि आप लॉस पे भी और लॉस बढ़ाते जाते हैं। तो अपना स्किल थोड़ा बहुत एनहांस कीजिए, थोड़ी बहुत एनालिसिस कीजिए, ताकि आप फिर अच्छा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। डेफिनेटली स्टॉक मार्केट से बहुत अच्छा रिटर्न अर्न कर रहे हैं आप। अगर कुछ भी अर्न नहीं, बाकी की अगर मैं बात छोड़ दूँ, अगर आप अगर सिर्फ निफ्टी में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 18-19% मिल रहा है ऑन एन एवरेज, अभी पिछले 10 साल का रिटर्न है 18-19%। तो डेफिनेटली सिक्योरिटी मतलब जो सिक्योर फंड से इसमें ज़्यादा अच्छा रिटर्न है, तो आप इसमें अर्न कर सकते हैं। सो टिल देन, थैंक यू, स्टे हैप्पी, स्टे इन्वेस्टेड।